अरे देखिए भाई साहब, सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे फूल ठीक से लगाइए। क्या रंग है यार, क्या खुशबू है, ये क्या शर्ट, उसके रेशे रेशे से रही से चमक रही, कमाल है यार। और ये शेरवानी पहनता, जचता, क्या लगता। ये एनवेलप्स दादी ने लिए थे तुम्हें देने के लिए। और मेरी दवा? दवा हार्ट अटैक की। तुम्हारा काम तो दवा से हो जाएगा, पर मेरा क्या, मैं नहीं बचूंगी। तो पैर इतने अच्छे भी मत लगा करो कि जान पे बना है। वो क्या है? कहाँ मैडम? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे मुझे लगा वो कुछ है। शादी में बहुत मजा आने वाला है। यस, आतिशबाजियां होंगी, आतिशबाजियां। क्या वो आपने बुलाया? हाँ, वो एक रस्म करना चाह रहे थे हम सब सेहरा बांधने से पहले। हाँ, नायरा ने फोन किया था, उसने बताया। हाँ चीकू, छोटी सी रस्म है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ हाँ राजश्रीमान, आप कीजिए ना। वैसे भी मुन्ना कहाँ लौटा है अब तक? बारात तो तभी निकलेगी ना जब मुन्ना वापस आएगा। बताइए नानी, क्या करना है? इस टहनी को लेके सिल्वर टेप पे जोर से मानी है, इतनी जोर से कि सारे पत्ते झड़ जाए। लेकिन उससे क्या होगा? जैसे नीम का जो फल होता है ना, उसकी कड़वाहट कई तरह के दोषों को दूर कर देती है, वैसे ही हमारे जीवन में जो कड़वाहट भी होती है, कुछ बुरे अनुभव होते हैं, उनकी यादें होती हैं, उनका साया होता है, ये रस्म उन सबको दूर कर देती है। डर और शक को भी? बिल्कुल, उनको भी। दीदी, अभी भी दो चार पत्तियां रह गई हैं। कोई बात नहीं छोटी, रस्म ही तो है, इतना भी दिल पे मत ले। नानी, मैं छोटी नानी की टेंशन समझ सकता हूँ। जैसे चाहकर भी हम ये पत्तियों को अलग नहीं कर पाए, वैसे ही जिंदगी में कई चीजों को हम चाहकर भी अलग नहीं कर पाते। माँ बस, बहुत हो गया, ये लास्ट है, बहुत अच्छा लगेगा।